ओए बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक हल्का कंपटीशन तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए। देखो यार, यहाँ पे आए हैं बहुत सारे हल्के दद्दू और उनके प्यारे प्यारे पुत्र। हम सब अपने अपने व्हीकल लेकर आए हैं और हम करने वाले बहुत ही खतरनाक हल्का रैम चैलेंज, जिसमें यहाँ से नीचे जाना है, ये विंडमिल से बचते ये वाले रैम पे जाना है, अलग अलग ऑब्स्टेकल्स को डॉज करते हुए ये तीन टुकड़ों पे से नीचे जंप करना है। और यार, जिसने भी फाइनली यहाँ पे गोल पोस्ट पे लैंडिंग कर ली, उसको गोल्डन हल्की फैमिली की तरफ से मिलेगा बहुत सारा बेशुमार पैसा, दौलत, सोना और गाड़ियाँ। तो चलो यार, हम हमारे कॉम्पिटिटर से मिलते हैं। सबसे पहले है ब्लैक हल्क दद्दू और उनका ब्लैक पोता। दद्दू जी, आप कौन से व्हीकल लाए और आपके बारे में बताया? ओए, हमारा नाम है ब्लैक हल्क फैमिली। यह है मेरा ब्लैक हल्क का पुत्र और मैं हूँ ब्लैक हल्क दद्दू। हम लेकर आए हमारे बेटे के लिए ये खतरनाक क्रूजर मोटरसाइकिल। तो यार, फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है पिंकल। मेरा नाम है पिंकल, के साथ आया हूँ और मैं ये वाली मेरी मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ। और उसके बाद है मेरा गोल्डन पुत्र, जो है ना मेरी फैमिली का है। इसके लिए यार हम लेकर आए हैं एक गोल्डन KTM। और हमारी लास्ट कॉम्पिटिटर फैमिली है ब्लू हल्क की फैमिली। हेलो 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 एवरीबॉडी, यार मेरा नाम है ब्लू हल्क और ये मेरे दद्दू है दद्दू ब्लू हल्क। और यार, हम लोग एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर आए ये वाली गोल्डन साइकिल। ओए पुत्र जी, सब लोग बाइक लेकर आए, तुम साइकिल क्यों लेकर आए? अरे वो हमारे पास थोड़े पैसे कम है, इसके लिए हमारे पास अच्छी महंगी बाइक नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं साइकिल पे कॉम्पिटिशन को जीत जाऊंगा। ओए पुत्र जी, तुमको ऐसा लगता है पर ये पॉसिबल नहीं होने वाला। चलो यार, सबसे पहले मेरा गोल्डन पुत्र ये रेस ट्रैक को करके बताएगा। अरे मेरा दद्दू ने जैसा बोला, मेरे पास तो गोल्डन KTM है, हमारी फैमिली के पास बहुत पैसा है। चलो फटफट अपनी गोल्डन KTM पे बैठता हूँ और ये कॉम्पिटिशन को शुरू करता हूँ। अरे गाइस, जैसा कि तुमने देखा यार, ये सारे अलग अलग हल्क बहुत सारे महंगे महंगे व्हीकल लेकर आए। ये देखो यार, ये गोल्डन वाला जो हल्क है, इसके पास तो गोल्ड की KTM है। अब मेरे पास तो सिर्फ एक साइकिल है। पर गाइस, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं मेरी साइकिल पे भी इन सब लोग को हरा दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। अरे तेरे को ऐसा लगता है, तो साइकिल पे भी हमको हरा देगा। पर मुझे पता है, तू साइकिल पे कुछ नहीं कर पाएगा। ये रेस चैलेंज इतना ज्यादा लंबा है, तो इस पे साइकिल पे कुछ भी नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, मैं करके दिखाऊंगा। अरे गाइस देखो यार, ये तो कितने ज्यादा कम टाइम में है यहाँ तक गोल तक पहुँचना है। अरे हाँ, मैंने बोला ही था ना, बहुत कम टाइम लगने वाला है मुझे। चलो अब मेरा टाइम बीट करके बताओ। अरे अरे, मैं बीट करके बताऊंगा दद्दू हल्के, जल्दी से आशीर्वाद दे तो मैं मेरी साइकिल पे आ रहा हूँ। पत्थर जी, यू कैन डू इट, अपने ने साइकिलिंग की बहुत प्रैक्टिस करी है। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे साइकिल चलाना चालू कर रहा हूँ। अब मैं मानता हूँ कि रैंप बहुत ज्यादा लंबा है, पर यार नीचे वाले जाने के साइड तो मुझे मेहनत नहीं होगी। देखो, डाउन हिल जाना तो बहुत ईजी होता है, मेरी साइकिल की स्पीड भी बढ़ गई। पत्थर, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। अरे गोल्डन दद्दू हल्क, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो मैं क्या मस्त साइकिल को उड़ा रहा हूँ। ओए पुत्र, गोल्डन दद्दू हल्क की बात मत कर, मैं तेरा ब्लू दद्दू बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तू ये कर सकता है। हाँ 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 हाँ, कर सकता हूँ। अरे गाइस, पर यार ये देखो यार, नीचे जाने वाला पार्ट तो बहुत इजी था, अभी यहाँ पे पहाड़ पे साइकिल चलानी पड़ रही है, मेरे तोते उड़ रहे। ओए पुत्र, यू कैन डू इट, फुल स्पीड में जाओ। हाँ 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 दद्दू, अब चिंता मत करो यार, आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी है। गाइस देखो, तुम लोगों को भी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर को सब्सक्राइब कर दो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तुम लोग अगर वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मेरी पावर बढ़ती है। और देखो यार, अगर थोड़े भी जन सब्सक्राइब कर रहे और वीडियो को लाइक कर रहे, तो यार देखो ना, मेरी पावर बढ़ती जा रही है, मैं थोड़ी जोर से साइकिलिंग कर पा रहा हूँ। अरे दद्दू यार, बहुत थक गया यार, देखो कितना दूर आ गया। ओए पुत्र जी, बहुत इजी यार, यहाँ पे तो नीचे जाना है, फुल स्पीड में जाते जाओ सारे ऑब्स्टिकल्स को डॉच करते हुए। अरे हाँ हाँ हाँ, देखो यार ये कैसे मैं बतख की तरह उड़ रहा हूँ। अरे बतख की नहीं, आई मीन रैबिट की तरह ऐसे बाउंस कर रहा हूँ। चलो गाइस, अब तो नीचे जाने वाला पार्ट आ गया, वो मैं क्रॉस कर लिया। पर गाइस, अब मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा, दद्दू मैं बहुत थक गया। ओए पुत्र, ट्राई और बेस्ट यार, ऐसे मत करो, बस थोड़ा सा बाकी है। अरे नहीं, अरे यार पटाखे फूट गए यार। गाइस मैं तो पानी में गिर गया यार, मतलब मैं रेस से बाहर आ गया। ओए पुत्र जी, मैंने तो बोला ही था साइकिल पे ये रेस कोर्स को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अरे नहीं गाइस, मैं तो हार चुका हूँ, मैं तो यहाँ पे पानी में गिर गया। ओए पुत्र जी, यार तुमने यार मेरे को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। ओए आई टोल्ड यू ब्लू दद्दू हल्क, इट इज नॉट पॉसिबल। ओए गोल्डन दद्दू हल्क, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम मुझसे बात मत करो। अरे गाइस देखो यार, मेरे दद्दू हल्क तो उदास होकर यहाँ से चले गए। गरीब ब्लू दद्दू हल्क तो चले गए, चलो अच्छा है, ऐसे नहाके भी नहीं आए थे, बास मार रहे थे। अरे नहीं नहीं ब्लैक हल्क, ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरे दद्दू बास नहीं मार रहे थे, अभी बस हम लोग के पास थोड़े पैसे कम है। अरे तुम लोग के पास पैसे नहीं, दिमाग भी कम है, अगर थोड़ा दिमाग होता तो हमारी तरह पैसे कमा लेते। अरे देखो, मैं तो मस्त मेरी इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेकर आया, तेरे को भी हरा दूंगा, दूसरे सारे हल्क को हरा दूंगा और सारा गोल्डन हल्क का पैसा मैं जीत जाऊंगा, फिर हमारी फैमिली भी बहुत ज्यादा रिच हो जाएगी। अरे गाइस ये बात तो सही बोल रहा है, अगर यार मैंने थोड़ी मेहनत करके और रुपए कमा लिए होते तो मैं अच्छी मोटरसाइकिल लेकर आ पाता, और फिर यार मैं भी शायद से रेस को जीत के हमारी फैमिली को रीच कर पाता। देख देख, मैं तो यार गोल्डन हल्क से भी जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुंच गया। देख 3, 2, 1 और यार सबसे पहला पहुंच गया। ओए बिल्कुल सही बोला यार, ब्लैक हल्क ने ये रेस कोर्स को सबसे कम टाइम में कर लिया। तो यार ब्लैक हल्क की फैमिली को मैं अवार्ड करता हूँ बहुत सारा सोना, महंगी गोल्डन गाड़ियाँ। और पुत्र जी, यार तूने तो मुझे कितना ज्यादा रिच कर दिया। अरे दद्दू हल्क चिंता मत करो, अभी तो और पैसा मिलेगा। अरे गाइस देखो तो सर, इनको कितना सारा सोना मिल चुका है, गोल्डन गाड़ियाँ भी मिल चुकी है, तो कैसे बल्ले बल्ले शावा शावा कर रहे। मैं यहाँ पे पानी में भीगा हुआ बैठा हूँ,
और मेरे दद्दू हल्क तो शर्म के मारे चले ही गए। गाइस पर ये बदतमीजी मेरे से सहन नहीं हुई यार, मुझे कुछ भी करके बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे और ये कॉम्पिटिशन में वापिस आना पड़ेगा इन सारे हल्क्स को हराने और यार ब्लू फैमिली का नाम वापिस से जीतने। तो गाइस यार सबसे पहले भी मुझे रिच बनना होगा। अब यार बड़ी नौकरी तो मुझे मिल नहीं रही, इसके लिए मैं सोचा ये सुपर मार्केट में आके नौकरी कर लूं। हेलो अंकल यार प्लीज मुझे जॉब पे रख लो, मेरा नाम है ब्लू हल्क और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हूं। अरे लड़के ये बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देगा तुझे, तुझे पता है ना? अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, मैं सिर्फ अभी काम तो सीख लूं। अच्छा अच्छा ठीक है चल, मैंने तुझे यहाँ पे काम पे रख लिया है, तुझे यार ज्यादा रुपए नहीं मिलेंगे पर तुझे काम सिखा दूंगा मैं। तो गाइस देखो यार काफी ज्यादा साल हो गए मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे है ना मेरे को फ्रिज साफ करना है। अब तुम देख रहे होंगे यार मेरी एज भी बढ़ गई है काफी सारी, मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा तगड़ी हो गई है और यहाँ पे मैं स्टोर के मैनेजर लेवल तक आ गया, ठीक ठाक रूपए में कमा लेता हूँ, मुझे सारा स्टोर की देखरेख करनी पड़ती है। पर यार कोई बात नहीं, थोड़ी प्रोग्रेस तो हो रही है। अरे सर अपनी गाड़ी में पेट्रोल कम है, जल्दी से पेट्रोल भरवा लेते हैं। अरे हाँ ठीक है जल्दी से यार यहाँ पे उतर के अपनी गोल्डन लैम्बोर्गिनी उरुस में पेट्रोल भर देता हूँ। यार ये गाड़ी इतनी अच्छी है पर इसकी एवरेज इतनी कम है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी तेल भरवाना पड़ता है इसमें। अरे गाइस देखो यहाँ पे तो मुझे लगता है कोई बिलियनर आदमी आया है क्योंकि यहाँ पे वो अपनी गोल्डन लैम्बोर्गिनी उरुस को लेकर आया। यार मेरे पास तो अभी भी बाइक खरीदने के पैसे नहीं है। अरे सामने देखो लगता है कोई बहुत ज्यादा रिच इंसान आया है अपने एरिया में, चलो उसको जल्दी जाके लूट लेते हैं, उसकी गड्डी चुरा के बेच देंगे। अरे हाँ दद्दू यार बहुत पैसा मिलेगा, इतनी सारी लैम्बोर्गिनी के पैसे मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ चलो लड़का लोग मेरे पीछे पीछे आओ, सब लोगों को डरा देंगे, उसके पास ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं लग रहे। ओए पंडर लोग जल्दी से कल्टी बना। अरे आगे आगे गैंगस्टर आ गए। अरे पहले मैं इसकी सिक्योरिटी वालों को मार देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी सिक्योरिटी वालों को क्यों मार दिया? अरे नीचे हो नीचे हो। अरे गाइज ये क्या हो रहा है बाहर? ओ माय गॉड गाइज, अरे ये तो मेरे गैस स्टेशन पे चोरी हो रही है। अरे गाइज ये गैंगस्टर लोग यहाँ पे आ गए, ये मुझे भी बहुत ज्यादा हैरान करते पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो अब मुझे कैसे हैरान करेंगे। पर ये बिलियनर की गाड़ी चोरी करने का ट्राई कर रहे जिससे उसको बेच के थोड़े पैसे कमा सके, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये ले ये ले ये ले। अरे कौन हम पे हमला कर रहा है? अरे दद्दू हमको नहीं दिख रहा कौन हम पे हमला कर रहा है। अरे मेरा नाम है ब्लू हल्क और तुम बेचारे बिलियनर को हैरान करना छोड़ दो। अरे तेरा क्या जा रहा है, हम बिलियनर को लूट रहे तो? अरे नहीं नहीं चोरी करना बुरी बात होती है। अंकल जी आप ठीक तो हो ना? यस यस यार मैं ठीक हूँ, सारे चोरों को तुमने मार दिया क्या? अरे हाँ अंकल आप है ना ये करना बंद कर सकते हो उठक बैठक। अरे यार ये लोग कितने ज्यादा गंदे थे, इन्होंने मेरी सिक्योरिटी वालों को मार दिया है। ये सिक्योरिटी वाले मेरे पास 10 साल से भी ज्यादा से नौकरी कर रहे थे, अब यार मैं क्या करूँ, मैं दूसरा सिक्योरिटी वाले कहाँ से ढूंढूं? अरे कोई बात नहीं यार आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला मिल ही जाएगा। अरे लड़के यार तू तो एक ब्लू हल्क जैसा दिख रहा है, तू मुझे एक बात बता, तू तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंसानों से, क्या तू मेरी सिक्योरिटी टीम ज्वाइन करेगा? मैं तुझे बहुत सारा पैसे दूंगा, उससे तू अपनी सारी चीजें खरीद सकता है, पर बस तेरा एक काम होगा मेरी सिक्योरिटी रखना। अरे हाँ 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 मैं पक्का आपको ज्वाइन करूंगा, मुझे सैलरी कितनी दोगे? अरे मैं तुझे महीने के 1 करोड़ रुपए दूंगा मेरी सिक्योरिटी करने के लिए। अरे वाह वाह गाइस यार देखो मैंने एक अच्छा काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिला, चलो चलो सर गाड़ी में बैठ जाओ मैं आपको आपके घर ले जाता हूँ, मैं आपका ड्राइवर भी बन जाऊंगा। अरे हाँ चलो ठीक है जल्दी से मुझे घर ले चलो, मैं आपको वैसे भी बहुत डर लग रहा है। ओ गाइस देखो यार यहाँ पे मैंने एक अच्छा काम किया तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिला, मैं यहाँ बिलियनर के यहाँ पे जॉब करने लग गया। तो गाइस देखो यार वो जो लास्ट तुमने सीन देखा यार उससे अब बहुत सारे साल हो गए और देखो यार मेरी एज और भी बढ़ चुकी है, बिलियनर ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैंने खुद के लिए इतना मस्त सिक्योरिटी वाला आर्मर खरीद रखा है और अब तो मैं एक ब्लू निंजा हल्क के जैसा हो गया और अभी भी मैं यहाँ पे बिलियनर के यहाँ पे जॉब करो। देखो यहाँ पे सर खड़े यहाँ पे उनके है ना बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ चुका है तो ये और भी ज्यादा रिच हो गए। अरे ब्लू हल्क यार तू बहुत ज्यादा लॉयल है, तूने इतने साल से मुझे सिक्योरिटी करी है और यार मैंने इतने सारे पैसे और कमाए, इसके कारण लोग मुझ पे हमला करने का पूरे दिन कोशिश करते रहते हैं पर तूने हमेशा उन लोगों को डरा के भगा दिया और मेरी जान बचाई। अरे अरे नहीं सर यार ये तो मेरा काम है, प्लीज आप मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट करिए मत करिए। अरे नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तेरे बिना मैं इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं बना पाता, लोग हमेशा मुझे मारने की कोशिश करते रहते। अरे हाँ गाइस बात तो सही है, देखो यार यहाँ पे मैंने इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है, इतनी सारी गोल्डन गाड़ियां, पर यार ये पहले बुलेट प्रूफ नहीं थी अब तो मैंने इनको बुलेट प्रूफ भी करवा दिया है। अरे हाँ जाओ अब तुम्हारा काम कर लो यार, मोटा पैसा कमाएंगे, मोटा बिलियनर के घर पे हमला कर रहे हैं, बहुत तगड़े वेपन्स लेकर आए, पूरा हेलीकॉप्टर लेकर आए। अरे हम पे अटैक हो गया है, ये कोई स्पेशल स्क्वाड वाले आए हैं हमारे बॉस को मारने के लिए। अरे बिल्कुल सही बोला तुमने, हम स्पेशल स्क्वाड वाले हैं और यार मैं ये बिलियनर से बदला लेने आया हूँ, बहुत साल पहले इन्होंने मेरे दद्दू को मरवा दिया था। हेलो हेलो बिलियनर सर मैं पहचाना मुझे? अरे नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। अरे तुम मेरे से पहली बार नहीं मिले हो, बहुत साल पहले मेरे दद्दू ने तुम्हें लूटने की कोशिश करी थी, तब तुम्हारे पालतू कुत्ते ब्लू हल्क ने मेरे दद्दू का मर्डर कर दिया था, अब मैं देखो आया हूँ तुम्हारा और उस ब्लू हल्क का मर्डर करने। अरे हाँ बॉस आज तो उस ब्लू हल्क को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अरे गाइस ये क्या हुआ, इतनी सारी गोलियों की आवाज क्यों चल रही है? अरे यार मुझे तो लगता है किसी ने हमला कर दिया है और ये कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्क्वाड वाला है, कोई नॉर्मल गुंडे होते तो मैंने जो सिक्योरिटी टीम खड़ी रखी थी वो लोग उन्हें मार देते, इनको तो मुझे ही मारना पड़ेगा, तुम्हारी ऐसी तैसी मेरे बॉस से दूर।
रोटो। अरे बॉस आप यहाँ से भागो। अरे हाँ हाँ मैं तो भाग रहा हूँ, तूने इनको डिस्ट्रैक्ट किया तो। अरे तूने मेरे पापा को भी मारा था, तू मेरे सिक्योरिटी वालों को भी मार रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हारी गोलियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब मेरा एज मीटर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। अरे छोड़ेंगे नहीं तुझे, मारो मारो मिनी गन से मारो इसको। अरे नहीं नहीं गाइस देखो ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कर पाए, मैंने सबकी धुलाई लगा दी। सर जी आप ठीक तो ना? अरे यार ब्लू हल्क तूने फिर से यार मेरी एक और बार जान बचा ली। अरे अरे बस सर कोई बात नहीं यार, ये तो मेरा काम है। अच्छा चल यार प्लीज यार तू एक काम करके आ मेरे लिए, पीछे यार मैंने एक ना बाइक खरीद के रखी है, नहीं उसको मॉडिफाई करवा के आ जा। अरे सर पर आपके ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ और अभी आप मुझे है ना ये छोटा मोटा काम करने भेज रहे हो। अरे मुझे छोटा मोटा काम से फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे यहाँ नौकरी करता है, मैं जो बोलूंगा वो करेगा ना तू? अरे हाँ हाँ सर करूंगा तो वही, पर मैं तो सिर्फ आपके अच्छे के लिए बोला था। अरे तू मत मुझे बता कि अच्छा क्या होता है, जा और अपना काम कर। अरे गाइस ये क्या हो गया यार, मैंने इनकी मेरे बॉस की जान बचाई, इतने खतरनाक गुंडों से लड़ाई करी, उसके बाद भी वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये देखो मेरे बॉस ने ये वाली नई बाइक ली है, अब इन्होंने बोला है कि इसको मॉडिफाई करवा के आना है और इसको पूरा अपग्रेड करवाना है, इसको सोने की करवाना है। ठीक है अब बॉस ने बोला है तो कर ही देता हूँ, चलो गाइस चलते हैं। गाइस देखो यार बहुत घंटों के बाद एक बाइक की फाइनली मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, ये कितनी तगड़ी लग रही है, गोल्डन भी हो गई है। पर यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बॉस ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। एक सेकंड यार ये क्या हो गया? अरे यार दद्दू हल्क आप यहाँ पे कैसे आ गए, मैंने तो आपको बहुत सालों से नहीं देखा है। ओए पुत्र जी यार आई एम वेरी सॉरी, तब मैं तुमको छोड़ के भाग के चला गया, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था कि मैं तुम्हें महंगी बाइक नहीं दिला पाया। अरे दद्दू हल्क पर तुम्हें पता है ना मुझे महंगी बाइक से फर्क नहीं पड़ता। अरे बिलियनर बॉस ये हो क्या रहा है? अरे यार तूने इतने साल तक मेरे यहाँ पे नौकरी करी, मेरे को प्रोटेक्शन दिया, इसके लिए आज मैं तुझे एक सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं तेरे दद्दू को ढूंढ के ले आया, मैंने उनको भी अपग्रेड कर दिया है, मैं तुझे भी अपग्रेड करने में हेल्प करूंगा। और ये देख यार ये जो गोल्डन बाइक है ना, ये मैंने मेरे लिए नहीं तेरे लिए परचेज करी है, क्योंकि तूने मुझे वो स्टोरी सुनाई थी कि जब यार तेरे पास बाइक ना होने के कारण तू हल्का कंपटीशन हार गया था, तो ये ले दिस इज माय गिफ्ट टू यू। हैं ये तुमने क्या किया, मुझे अपग्रेड कैसे कर दिया? ओए पुत्र जी यार ये मैंने और बिलेनर ने मिलकर एक तुझे अपग्रेड कर दिया है, तू अब मेरे जैसा एक दद्दू हल्क बन चुका है, पर तू मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है, तू एक थ्री हेडेड विंग्स वाला दद्दू हल्क बन चुका है, खतरनाक गोल्डन बिलेनर टैटूज। अरे तूने यार मेरे इतनी साल से प्रोटेक्शन करी, आई एम वेरी थैंकफुल। अरे गाइस देखो मैं तो अपग्रेड भी हो गया, मुझे इतनी मस्त बाइक भी मिल गई है, अब तुम्हें पता यार किस चीज का टाइम आ चुका है, देखो मैं वापस से गोल्डन दद्दू हल्क के कंपटीशन में आ गया। ओए पुत्र जी तो यार ये देखो लास्ट कंपटीशन से अभी 10 साल हो गए, हम सब अपग्रेड हो गए और हम सब बहुत ज्यादा रिच भी हो गए। और तो यार मैं देख रहा हूँ कि ब्लू हल्क ये बार साइकिल पे नहीं आया। हाँ हाँ दद्दू हल्क आप भी हमारा मजाक उड़ा लो यार, पर तुम ध्यान रखना ये बार तो मैं ही जीतूंगा। ओए पुत्र चलो देखते यार हम फिर से यार सेम ऑब्स्टिकल कोर्स को करने वाले, सेम रूल्स है और जो भी जीतेगा इस बार उसको वापस से बहुत सारा दौलत और पैसा मिलेगा। चलो यार मेरा पुत्र सबसे पहले जाएगा, गोल्डन हल्क जाओ। अरे लास्ट टाइम तो यार मैं हार गया था, ब्लैक हल्क ने मुझे हरा दिया था, ये बार नहीं, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास और भी ज्यादा महंगी बाइक है, मुझे ड्राइविंग पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बाइक ही मुझे जिता देगी। अरे गाइस ये तो कितना गलत काम बोल रहा है यार, ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना अगर रेस को जीतना है तो। अरे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक्सेलेटर दबाऊंगा और जीत जाऊंगा, हा 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 इतनी महंगी बाइक का फायदा ही तो यह है। अरे नहीं गाइस ऐसा नहीं होता, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी महंगी चीजें हो, तुम्हारे पास कितना भी पैसा, तुम्हें हमेशा मेहनत तो करनी पड़ती है। ये देखो ये बुद्धू को मैंने बोला था, अरे बैलेंस चला गया मेरा। पुत्र जी तुमने मेरा नाम डुबा दिया, मेहनत क्यों नहीं करी? अरे देखो अब मेरी बारी है, मेरा नाम है पिंक हल्क, पहले मेरी आवाज पतली थी, अब मेरी आवाज भारी हो गई है। ये देखो मैं मस्त यार मुन्ना भाई की स्कूटी लेकर आया हूँ। अब यार ये गोल्डन हल्क तो बुद्धू था, इसकी गाड़ी पे दो ही पहिए थे, इसके लिए बैलेंस कच्चा हुआ, मैं तो यार तीन पहिए वाली बाइक लेकर आया हूँ जिससे मेरा बैलेंस कभी जाएगा ही नहीं। अरे ये क्या हो गया, आंखें नहीं खोली थी मैंने, होशियारी कर रहा था, नीचे गिर गया। अरे तुम सब लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, लास्ट कॉम्पिटिशन भी मैं ही जीता था, ये कॉम्पिटिशन भी मैं ही जीतूंगा। हाँ हाँ अब तो यार इतना सारा पैसा था कि मैं एक ब्लैक हल्क से गोल्डन और ब्लैक हल्क में कन्वर्ट हो गया था, तो यार मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है, इतना पैसा होगा, ये देखो क्या फुल स्पीड में जा रहा हूँ मैं। अरे गाइस ये देखो तो सर ये ब्लैक हल्क तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा है, ये देखो क्या जंप मारा, तो मैं देखो स्टंट मार के बताऊँ क्या? ओए गरीब ब्लू हल्क। अरे नहीं नहीं स्टंट मत मारो यार, तुम तो अपनी रेस पे फोकस करो। अरे मेरे को पता है तेरे से कुछ नहीं होगा, इसके लिए देख मैं तुझे स्टंट मार के बताऊंगा, अभी देख अभी यहाँ से जंप लगाऊंगा और स्टंट मारूंगा, ये देख ये क्या मस्त मैंने बैरल रोल मारी, एक और मार के बताओ क्या, ये देख एक और बैरल रोल मारी। अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे नहीं नहीं पानी में गिर गया, अरे यार मैं तो आउट हो गया। अरे गाइस देखो लास्ट टाइम जैसे मैं पानी में गिरा था, इस बार है ना ये ब्लू हल्क पानी में गिरा, दद्दू हल्क ये बार चिंता मत करो और मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा, मैं भी अब थ्री हेडेड विंग्स दद्दू हल्क बन चुका हूं। ओए पुत्र जी यस आई नो यू कैन डू इट। अरे गोल्डन हल्क यार तुम भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो? अरे हाँ पुत्र जी यार देख यार हमारे सारे बच्चे ने तो इतने सालों में मेहनत नहीं करी, क्योंकि हमारी फैमिली के पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, पर तूने यार खुद की एज बढ़ाई, इतनी मेहनत करी, पैसा कमाया, नाम कमाया, इसके लिए रिस्पेक्ट यू फॉर इट, मैं चाहता हूँ कि तू ये रेस को जीते।
अरे गाइस देखो, अब तो गोल्डन दद्दू हल्क भी मेरे साइड हो गए और मेरे दद्दू हल्क तो मेरे साइड में थे। अब तो ये रेस को मैं पक्का जीत जाऊंगा। अब गाइस देखो, तुम लोग भी अगर मेरी साइड हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में ब्लू टीम लिख दो, जिससे मुझे पता चल जाए तुम लोग मेरी टीम में। गाइस देखो यार, मैं तो फुल भीड़ में ना नीचे जा रहा हूँ और ये कॉम्पिटिशन को तो मैं जीतूंगा। यस पुत्र जी, तुम यही कॉम्पिटिशन को जीतोगे। अरे हाँ ब्लू दद्दू हल्क, तुम चिंता मत करो, ये कॉम्पिटिशन को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। देखो क्या फुल स्पीड में गाइस नीचे जाता जा रहा हूँ मैं, और ये देखो फाइनल जंप है मेरा और ये कॉम्पिटिशन की विन के दूर। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं पहुंच गया और अब तो यार कोई दूसरा हल्के तक पहुंच नहीं रहा, तो कॉम्पिटिशन को मैं जीतने वाला हूँ। तो गाइस देखो, मेरी स्टोरी से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए और हार्डवर्क करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस देखो मैं फाइनली जीत चुका हूँ। ओए पुत्र जी थैंक यू यार, देखो अपने को इतना सारा सोना और बेशुमार दौलत मिल गई है। अरे हाँ दद्दू हल्का ऐसा ही। तो गाइस देखो, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में ब्लू ओपी लिखना मत भूलना, जिससे मुझे पता चल जाए तुम ब्लू टीम के प्लेयर हो। और तो यार स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है ये भी देखो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलो यार, मैं और ब्लू दद्दू हल्क मिलेंगे तुम्हें GTFI के अगले एपिसोड में। बाय बाय पुत्र जी।